जैसे जैसे बिहार में उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रदेश की राजनीति गर्माती जा रही है। इस बीच पूर्णिया के रुपौली सीट को लेकर सबसे ज्यादा राजनीति तेज हो गई है। महागठबंधन के साथ साथ एनडीए भी अपनी तैयारियों को लेकर यहां जोर शोर से लगा हुआ है। एनडीए ने इस सीट से कलाधर मंडल को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके लिए एनडीए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, सुनील कुमार, शीला मंडल और लेसी सिंह ने पहले से ही चुनाव प्रचार में ताकत झोंक रखी है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जितिन राम मांझी यहां 7 जुलाई को चुनाव प्रचार करने वाले हैं। वहीं उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 जुलाई को चुनावी सभा में हुंकार भरेंगे। वहीं बीमा भारती पहले यहां से विधायक थी, लेकिन प्रदेश में सरकार बदलने के साथ ही उन्होंने भी अपना पाला बदल लिया और उन्होंने नीतीश की पार्टी जेडीयू का साथ छोड़कर लालू की पार्टी आरजेडी का दामन थाम लिया, जिसके बाद उन्हें इंडिया गठबंधन ने पूर्णिया से लोकसभा उम्मीदवार बनाया, जहां उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव से हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि रुपौली में उपचुनाव हो रहा है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है, मंत्रियों का मजमा लगने लगा है। 6 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आने वाले हैं। इधर रुपौली में शुक्रवार को होम वोटिंग होगी, 13 वोटरों के लिए होम वोटिंग की व्यवस्था की गई है। वहीं रुपौली में 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। आपको बता दें कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी के रूप में कलाधर मंडल, वहीं महागठबंधन से राजद प्रत्याशी बीमा भारती हैं, साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह समेत 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कुछ दिन पहले ही बीमा भारती ने पप्पू यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि पप्पू यादव अपना समर्थन बीमा भारती को देंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस उपचुनाव में रुपौली की जनता किसे वोट देकर जीत का सहरा बांधती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।